नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आजकल हरियाणा में पंचायती राज एक्ट के तहत जो चुनाव होने हैं उनकी तैयारियां जोरों पर हैं। लोग सरपंच बनने के लिए, पंच बनने के लिए, ब्लॉक समिति मेंबर बनने के लिए, जिला परिषद का उम्मीदवार बनने के लिए दौड़ धूप करने लगे हैं। और अब ये खर्चा भी पहले की तुलना में इन चुनाव में ज्यादा होने लगा है, जो अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन आज का जो 3 बजे का हमारा राजनीति की बातों का एपिसोड है, आपको एक रोचक जानकारी इस एपिसोड में मिलेगी। जो पुराने लोग हैं उनको, उनके सामने से ये बातें गुजरी हैं, लेकिन जो मेरे दौर के लोग हैं उनको शायद ये बात नहीं पता होगी और उनके लिए हैरानी बात भरी बात हो सकती है कि हरियाणा में एक जमाना ऐसा भी था जब सरपंच का चुनाव जनता नहीं करती थी। सरपंच उसी तरीके से चुने जाते हैं जैसे देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जमाना आया था 1971 में, और उस समय जो अप्रैल 1971 का महीना था उसमें हरियाणा का बजट सत्र बुलाया गया था और कई महत्वपूर्ण फैसले उस दौरान लिए गए थे, जिसमें हरियाणा पंचायती राज एक्ट में संशोधन का जो प्रस्ताव था वो भी पास हुआ था। इस एक्ट के तहत हरियाणा में ये फैसला किया गया कि जो सरपंच का चुनाव होगा उसको जनता सीधे नहीं चुनेगी, सरपंच को केवल पंच चुने जाएंगे और पंच मिलकर बहुमत के आधार पर अपना एक सरपंच चुनेंगे। एक तो ये फैसला 1971 में हुआ था। इसके अलावा जो सरपंचों के हाथ से जो पैसे की पावर थी वो छीन ली गई थी और जो पैसे का पूरा हिसाब किताब लेन देन था वो ग्राम सचिवों के हवाले कर दिया गया था। और इसके बाद जुलाई महीने में जो पंचायती राज एक्ट के तहत हरियाणा में चुनाव हुए थे उसमें केवल पंच चुने गए थे और पंचों ने पूरे हरियाणा में फिर अपने सरपंच चुने थे। इसी तरीके से हम हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, इसी तरीके से आजकल हम अपना मुख्यमंत्री भी चुनते हैं कि पहले हम विधायक चुनते हैं, विधायक फिर अपना एक मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, सांसद एक प्रधानमंत्री चुनता है। उसी तरीके से हम केवल उस जो 1971 में है हमने केवल पंच चुने थे, पंचों ने अपना सरपंच चुना था और ग्राम सचिव के पास उस समय ये पावर आई थी जो आज तक जारी है। लेकिन जो सरपंचों का जो चुनाव है वो सीधे कराने का फैसला बाद में लिया गया और इस फैसले को चौधरी बंसीलाल का शासन जाने के बाद पलट दिया गया। उसी बजट सत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ था और ये फैसला था कि जो हदबंदी एक्ट था उसमें 18 एकड़ से ज़्यादा भूमि को निकाल दिया गया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति 18 एकड़ से ज़्यादा जमीन जो उपजाऊ हो वो उसके नाम नहीं हो सकती थी। इस फैसले के बाद हरियाणा में काफ़ी लोगों ने, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम कराई, अलग अलग तरीके से जुगाड़ लगाए किसी तरीके से ज़मीन बचाए रखने के लिए, कुछ लोगों ने ज़मीनें बेची भी। तो ये एक हड़बड़ी वाला फैसला उस दौरान हदबंदी एक्ट का था, लेकिन ये भी चौधरी बंसीलाल ने लागू किया था कि उपजाऊ जमीन किसी के पास 18 एकड़ से ज्यादा ना हो। ये उस दौर के 2-3 महत्वपूर्ण फैसले थे। दोस्तों, सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं, बेहतर होगा कि आप सरपंच के चुनाव में उस व्यक्ति को चुने जो गांव का भला कर सकता हो। आजकल सरपंचों के चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं, लोग बहुत पैसा फूंकते हैं और इस जो आदमी पैसा फूंकता है वो फिर पैसा कमाएगा भी। इसलिए अगर हम गांव का सच्चे मायने में भला चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो गांव के हित सोचता हो, जो चुनाव में किसी भी तरह की फिजूल खर्ची ना करता हो। बेहतर होगा हम इसमें आगे आएं। जो युवा साथी हैं वो गांव में जो सरपंच चुने जाने की प्रक्रिया है उसको खर्चा रहित बनाने में अपना योगदान दें। फिर जो सरपंच चुन के आएगा उसके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी होगी कि गांव के लोगों ने सरपंच चुनते हुए कोई खर्चा नहीं करवाया, तो तुम भी ईमानदारी से अपना काम करो। ये एक दोस्ताना सलाह थी। बाकी राजनीति की बातों के लिए देखते रहिए 3 बजे का एपिसोड, करंट पॉलिटिक्स के लिए 8 बजे का शो देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार।